गुड गुड इवनिंग इवनिंग सो वंस अगेन वेलकम टू यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ई लैंग्वेज स्टूडियो स्पोकन इंग्लिश क्लास. सो हाउ इज एवरीथिंग विद ऑल ऑफ यू? मोहित? यस सर. एवरीथिंग इज ओके? यस सर. एंड स्वाति जॉइंट? स्वाति? यस यस सर. ओके, एवरीथिंग इज ओके बेटा? यस सर. That's good. So today is Saturday. Yes. Okay. So did you practice the topics or the clue words of yesterday? Yes, sir. Very good. Kuch banaya aapne sentences? Ji sir. Acha. Which clues did I take yesterday? Kaun kaun se clues maine liye the? Did it? That good, good, or to? Very good. Needn't लिया था एक मैंने, और would और could का use आपको बताया था. जी. और इसके अलावा और कोई clue word था? Ought to. Ought to. Ought to कब हम use करते हैं? रिस्पेक्ट के लिए कभी भी. जैसे आप इसको मान सकते हैं मॉरल ड्यूटीज, जहां हमारा नैतिक कर्तव्य होता है. सुनो, जैसे जैसे रिस्पेक्टिंग ऑफ पेरेंट्स, रिस्पेक्टिंग ऑफ द कंट्री, और मान लीजिए और भी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, नेशनल एंथम हुआ एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर. ऑट टू का एक और यूज होता है, उसका मैं चर्चा कभी बाद में आपसे करूंगा. ओके, तो किसी ने कोई सेंटेंस बनाया है तो थोड़ा सा बता दीजिए मेरे को. यस, एनी वन ऑफ यू? सर, आई नीडेंट टू गेट early in the morning. Very good. I needn't get up early in the morning. Very good. मुझे सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है. Correct sentence. Next. Who is next? Sir, I needn't meet you. I needn't meet you. I needn't need you. Meet you. मिलने की जरूरत नहीं है. Oh yes, I needn't meet you. अरे वाह, very good sentence. Who is speaking this sentence? Jyoti. Jyoti, okay. That's a nice sentence. हाँ, कभी किसी से नाराज हो गए तो कह दिया I needn't meet you. मुझे तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है. Very good. We needn't talk anymore. आगे हमें आपस में बात करने की जरूरत नहीं है. Very good. Nice sentence, Jyoti. Anyone else? You needn't use my phone. ओ वेरी गुड, यू नीडंट यूज़ माई फ़ोन. बिल्कुल सही, आपको मेरा फ़ोन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है. शाबाश. एनी वन एल्स? हाउ डेयर यू टॉक टॉक टू मी लाइक दैट? हु हैज़ स्पोकन दिस सेंटेंस? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? ज्योति? ओके, दैट इज़ ए करेक्ट सेंटेंस. आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? टॉक टू मी लाइक दैट और लाइक दिस, ये दोनों सही है. और वुड यू प्लीज गिव मी सम नोट्स? वेरी गुड, वुड यू प्लीज गिव मी सम नोट्स, ये आप कुड यू प्लीज हेल्प मी, दैट्स गुड. एनीथिंग एल्स? और कुछ? वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. Flag, absolutely correct. ठीक है, और बताइए. That's all? No sir. अच्छा बताइए, speak. स्वाति बेटा, How dare you eat my lunch box? लंच बॉक्स कोई खाता है क्या? How do you eat my lunch? लंच बॉक्स बॉक्स हटाना पड़ेगा बेटा. How do you eat my lunch? That is correct, isn't it? Not lunch box, yes. Anyone else?
How dare you sit anywhere? Repeat again. How dare you sit anywhere? How dare you sit anywhere? हिंदी बोलिए, स्पीक इन हिंदी. आप हर हर कहीं कैसे बैठ सकते हैं? वो आप रिपीट अगेन. हाउ डेयर यू सिट एनीवेयर? हाउ डेयर यू सिट एनीवेयर? यस करेक्ट सेंटेंस, सही है. आप हर कहीं कैसे बैठ सकते हैं? गुड. यस एनीवन एल्स? हाउ डेयर यू ईट मीट? He is a non-vegetarian. वो तो non-vegetarian तो मीट खा लेगा, लेकिन जो vegetarian है उसको आप कह सकते हैं How dare you eat meat? Very good. अच्छा sentence. How dare you kill him? Oh, very good. इतनी बड़ी बात तो वैसे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक sentence है. How dare you kill him? Good. Yes, Swati. Yes, sir. Yes, बेटा. He didn't go to school because he is small kid. He is at the market or in the market? No, no. He is a small boy. Okay. He needn't go to school because he is a small boy. He is a small kid. Kid. He is a small kid. Very good. You didn't change the company already paid much money. You needn't change the company. Already you pay much money. अब आपको इसको हिंदी में बोल के बताइए मुझे. तुम्हें कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कंपनी पैसा दे रही है. ओके, तो फिर उसको आगे बेटा ऐसे बोल सकते हैं, द कंपनी इज पेइंग यू गुड. द कंपनी इज पेइंग यू गुड. कंपनी तुम्हें अच्छा पे कर रही है. Say yes or no? Sir, repeat again. You needn't leave the company because the company is paying you good. Okay, sir. ठीक है बच्चों? Okay, sir. चलिए. How dare you go to outside without without permission? How dare you go outside without permission? Absolutely correct. बिना इजाजत के आपकी बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई? ये कौन कह रहा है? स्वाति. तो ये हस्बैंड को कह सकते हैं? हाँ, बच्ची हस्बैंड को भी कह सकते हैं, बिना मेरे पूछे बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई. ओके, फिर आगे से वो नहीं जाएंगे. सो वेरी गुड बेटा. यस. हाउ डेयर यू विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक? वेरी गुड. How dare you withdraw money from bank without my permission? Yes, good. Sir. Could you please tell me this address? Shabash. Very good. Wonderful. That's Could you good. Please share your notebook. Absolutely correct. Then would you give me some time for that? One by one. Yes. The sentences are over or still you want to speak some more sentences? कुछ और बोलना है? No, sir. हो गया सबका? बात सबको समझ में आ गई? तो मेरा कहने का मतलब है, we speak according to the situation. जैसी भी situation होगी वैसे ही हम अपनी बात कह सकते हैं. जैसे स्वाति का भी सेंटेंस था कि मेरी बिना परमिशन के आपकी बाहर जाने की हिम्मत कैसी हुई, जैसे बच्चों को कह रहे हैं. तो आप इस समय हाउ डे यू जो सिचुएशन है वो बिल्कुल करेक्ट है. हाउ डे यू गो आउट विदाउट माय परमिशन? एब्सोल्युटली करेक्ट. तो हर जैसे और किसी से कोई एड्रेस पूछना है तो वुड यू प्लीज और कुड यू प्लीज कह सकते हैं. सी यस नो? वहां पर आप हाउ डेयर यू यूज नहीं कर सकते. तो एवरी सिचुएशन हैज गॉट इट्स स्पेसिफिक क्लूवर्ड. तो वो आपको आना चाहिए. और पता है हमारा ब्रेन जो है वो आप उसको ट्रेन करते हैं, इफ़ यू गिव द प्रैक्टिस, तो वो बहुत जल्दी बात करता है. वो जैसी सिचुएशन होता है एंड वी स्पीक लाइक दैट. अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी? ओके. अमन इज देयर? हेलो अमन. यस सर.
Aman, Aman. ओके यस. नाउ मैं आज एक छोटी सी एक एक्सरसाइज आपको बताना चाहूँगा, ठीक है? तो आप उसके बाद हम और क्लू वर्ड्स लेंगे, और मैं जो वर्ड बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ आप सबको ये बताना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड और इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं. सी सुनो. यस सर. Can you read this word which I have written? Catsaridophobia. Phobia. Very good. Catsaridophobia. Do you know the meaning of this word? किसी को इस word का meaning पता है? Catsaridophobia. नहीं पता? अभी गूगल नहीं करना है तो आपको पता नहीं है. यस मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हम वर्ड्स को कैसे याद करें, इजंट इट? तो पहले तो इसका मीनिंग समझो. कैट सेरिडोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ कॉकरोचेस. जो कॉकरोचेस से डर लगता है ना, उसको हम कैट सेरिडोफोबिया कहते हैं. कैट सेरिडोफोबिया, फियर ऑफ कॉकरोचेस. सी एस सुनो. हेलो. लिसनिंग एवरीबडी, सब सुन रहे हैं? अच्छा, आप ये बता सकते हैं, आप में से एनी वन ऑफ यू, कि इस वर्ड को कैसे याद किया जाए कि आज के बाद विदाउट राइटिंग, बिना लिखे हुए आपको ये याद रहे? क्या ऐसी कोई ट्रिक दिख रही है इसको? इफ़ यू सी द वर्ड, यदि इस वर्ड को आप देखते हैं तो कोई ट्रिक याद आती है कि सर इस ट्रिक से हमें याद रह सकता है कि फियर ऑफ कॉकरोचेस, कि कॉकरोचेस से डर लगना? यस, एनी वन ऑफ यू, कोई आइडिया है किसी को? नो सर. नो. अब देखो इस वर्ड को पढ़ो, ये अपने आप ही आइडिया दे रहा है. सबसे पहले आपने लिखा है कैट, वो सी ए टी वाला नहीं, के ए टी, बस इतना से याद रखना है. तो कैट जो बिल्ली है उसको साड़ी पहना दो, कैट को साड़ी पहना दो, कैट ने साड़ी पहन ली, तो कैट और साड़ी, तो साड़ी को सारी कर सकते हो. वैसे साड़ी की स्पेलिंग भी ऐसे आ रही, सारी होती है. तो एक बिल्ली आ रही है जिसने साड़ी पहने हुए हैं, साड़ी पहने हुए, तो कैट सैरी. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इस इमेज को अपने दिमाग में आप डाल लीजिए. जस्ट इंसर्ट और पुट दिस इमेज इनटू योर ब्रेन. इमेज ऐसे सोच लेंगे कि बिल्ली साड़ी पहन के आ रही है, तो कैट सैरी, ठीक है? और ये जो वर्ड है ये आप लर्न कर लीजिए, डो, ठीक है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैट को साड़ी दो, बिल्ली को साड़ी दो, ठीक है? और फोबिया यानी डर होता ही है. और जैसे ही बिल्ली ने साड़ी पहनी, सारे कॉकरोच भाग गए. तो आपको वर्ड भी इमेज से याद हो गया, पिक्चर बन गई आपके ब्रेन में कि बिल्ली को साड़ी दो, बिल्ली यानी कैट, तो सी ए टी ना करके उसको के ए टी याद रखेंगे. तो कैट साड़ी दो, अपने आप स्पेलिंग बन रही है. आप भूल भी जाए तो भी बना सकते हैं.
और फोबिया का मतलब है एक्सेसिव फियर, बहुत ज्यादा डर लगना. सी यस और नो? तो वर्ड्स जो हैं अपने आप में आपको आइडियाज देते हैं हाउ टू लर्न दैम. सी यस और नो? तो सबको लर्न हो गया कि कैट सेरिडोफोबिया, फियर ऑफ कॉकरोचेस, कॉकरोचेस से डर लगना. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर. अब नहीं भूलेंगे? नो सर. वेरी गुड. तो हमारी जो स्टडी होती है उसको आप पिक्चराइज फॉर्म के अंदर याद कीजिए, तो उससे क्या होगा, स्पेलिंग्स भी आपको याद रहेगी और उसका मीनिंग भी आपको पता रहेगा और आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं. जैसे मैं एक कैट सेरिडोफोबिक पर्सन हूँ. आई एम अ कैट सेरिडोफोबिक पर्सन. फोबिया को फोबिक कर दो फिर. फोबिक, कैट सेरिडोफोबिक, सेम पर्सन. I am a cat seridophobic person. मैं cat seridophobic व्यक्ति हूँ. यानी मुझे तिलचट्टों से डर लगता है. और जिसको नहीं लगता उसके लिए कैसे कह सकते हैं? Rahul is not a cat seridophobic person. My husband is not cat seridophobic person. But I am a cat seridophobic person. सही है सुनो? तो एक छोटा सा वाक्य बन गया. और ऐसा वर्ड आप आई थिंक ये हो सकता है पहली बार ही सुना हो आपने, तो आपको लर्न भी हो गया और कहीं आपको लिखा हुआ भी मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सही है सुनो? यस सर. ओके, सो यू हैव रिटन दिस, इसको लिख लिया आप सबने? यस सर. अब हम एक क्लू वर्ड करते हैं. The number of the clue word is 10th or 11th? 11th. Is it visible? सबको दिखाई दे रहा है? Yes sir. Yeah. So you have written, लिख लिया आपने? Yes sir. Very good. Do you have any idea कि कब use करते हैं had better? No sir. Anyone of you? Swati? No sir. Jyoti? No sir. And Deepak? No sir. No. And who is this KD? Deepak. Deepak? No sir. And Aman? Mohit? Yeah, no sir. अच्छा, किसी को आइडिया नहीं है? अब देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक है. जब हाँ कभी अपन ऐसा बोलते हैं अच्छा होगा कि ऐसा कर लो, जैसे अच्छा होगा कि अब तुम सो जाओ, अच्छा होगा कि अब पढ़ाई शुरू कर दो, अच्छा होगा कि इंडिया जीत जाए, अच्छा होगा कि अब मैं इंग्लिश सीख लूँ, तो ऐसा कोई भी फीलिंग आपको इंग्लिश में बोलना हो, ऐसा सेंटेंस बनाना हो, तो आप हैड बेटर से बना सकते हैं. तो आप यहाँ पर लिख लीजिए अच्छा होगा कि
यस रिटन एवरीबॉडी यस सर. अब आप ऐसा कोई सेंटेंस बोल सकते हैं हिंदी में जो अच्छा होगा कि फिर एक कोई एक्शन करवा दें किसी से. वन बाय वन मोहित. यू नहीं नहीं हिंदी में हिंदी में बोलिए अच्छा होगा कि आपको कि आपके द्वारा क्रिकेट खेलना अच्छा होगा. ऐसे नहीं अच्छा होगा कि आप क्रिकेट खेल लो. अच्छा होगा कि पापा ऑफिस चले जाएं. अच्छा होगा कि अब माँ खाना बना दे. अच्छा होगा कि तुम अब यहाँ बैठ जाओ. अच्छा होगा कि इंडिया जीत जाए. इस तरह के सेंटेंसेस जब बनाने हो तो आप हेड बैटर यूज़ कर सकते हैं. बहुत कम लोगों को हेड बैटर का यूज़ आता है. सिया सुनो तो आपको इस सिचुएशन का ध्यान रखना है. और रूल क्या याद रखना है दिस. Person means subject, then head batter, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई राइटिंग. राइटिंग सबको समझ आ रही है. ओके यहाँ एक छोटा सा नोट भी लिख सकते हैं. हेड बैटर इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स. हेड बैटर इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स वेदर सिंगुलर और प्लूरल. वेदर सिंगुलर और प्लूरल. वेदर डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर. डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर. वेदर का मतलब चाहे. चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो दोनों के साथ हेड बैटर चलेगा कोई सा भी सब्जेक्ट हो. से या सुनो. सो नाउ वी कैन मेक. अच्छा कल मैंने एक थोड़ा सा आपको एक मेथड भी सिखाया था कि हमारे बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में दो प्रॉपर वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं. तो सबसे पहले आई हैड बैटर. अब इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है तो आई हैड बैटर ओपन द डोर. अच्छा होगा कि मैं दरवाज़ा खोल दूं. यू हैड बेटर ओपन द डोर. अच्छा होगा कि आप दरवाज़ा खोल दें. बच्चों को कह रहे हैं यू हैड बेटर स्लीप नाउ. अच्छा होगा कि अब तुम सो जाओ. से यस नो. तो राइट अ फ्यू सेंटेंसेस.
हैव यू रिटन ऑल द सेंटेंसेस? लिख लिए सबने? यस सर। यस, सर। यस सर, ये नाउ है, ये करंटली के लिए यूज होता है। हाँ, अब ये हम कह रहे हैं। नहीं, ये जो टॉपिक है हेड बेटर, तो ये करंटली जो सिचुएशन है उसके लिए यूज होता है। हाँ, कि अब ऐसा कर लो, बिल्कुल ठीक है। वैसे मतलब वो उसी टाइम की बात होती है जब हम ये कोई एक्शन को चाहते हैं। अच्छा होगा कि अब आप सो जाओ, अच्छा होगा कि अब आप सीख लो, उसी के लिए ना। बाकी और भी आ सकता है, जैसे यू हैड बेटर गो टू स्कूल एट 7 o'clock, अच्छा होगा कि 7 बजे स्कूल चले जाओ, ये भी ठीक है। यू अंडरस्टूड मी? सबने लिख लिए सेंटेंसेस? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, और मान लो आपको मना करना होगा, अच्छा होगा कि तुम अब मत सो, मना कर दें, तो क्या करोगे? सारे जो सेंटेंसेस हैं उनमें नॉट यहाँ यूज करोगे। जैसे यू हैड बेटर नॉट गो टू स्कूल, तो एक सेंटेंस लिख लीजिए आप, You had better not go to school. You had better not come here again. अच्छा होगा कि अब आप यहाँ दोबारा ना आए। You had better not come here again. यस रिटन एवरीबॉडी? यस सर। बात सबको समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब यहाँ पर ये जो 4 सेंटेंस मैंने लिखा है, इसका मतलब है इट हैड बेटर रेन नाउ।
इसका हिंदी कोई बताएगा मुझे क्या होगा इसका? अच्छा होगा, ये बारिश हो रहा है। वेरी गुड, जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा यू नो ड्राई सिचुएशन है, तो हम कह रहे हैं अपनी तरफ से बहुत गर्मी है, सो इट इज बेटर रेन नाउ, अच्छा होगा कि अब बारिश हो जाए। तो जब कभी भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, ज़्यादातर तो लोगों को पता ही नहीं है हैड बेटर कब यूज़ होता है, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? ओके ओके, तो एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ और सभी उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अच्छा होगा कि आप अपने बाल कटवा लो, बनाइए। बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बाल कटवाने को क्या बोलते हैं मोहित? मोहित, दीपक, स्वाति, बिल्कुल गलत। बाल कटवाने को कहते हैं, हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? बाल कटवाना। आप बाल कटवा लीजिए, ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं आप अपने बाल काट लो। नो, तो नो, ऐसा सर। हाँ ऐसा नहीं बोलते, तो इसलिए कट हेयर नहीं आएगा इसमें, आएगा बाल कटवाने को कहते हैं गेट हेयर कट। अब बन जाएगा यू हैड बेटर गेट योर हेयर कट। तुम्हारे है तो योर और लिख दो बस बीच में। You had better get your hair cut. अब इसका मीनिंग होगा, अच्छा होगा कि आप अपने बाल कटवा लीजिए। Say yes or no? Yes. तो और यदि आप कहते हैं you had better cut your hair, इसका मतलब है खुद ही बाल खड़े करो और खुद ही काट लो, जो होता नहीं है। तो बाल कटवाने को कहते हैं get hair cut. You had better get your hair cut. Say yes or no? तो कभी भी आपको बाल कटवाने की बात कहनी हो तो गेट हेयर कट कहते हैं। से जैसे सिंपल भी कहना हो, जाओ बाल कटवा लो, तो गो एंड गेट योर हेयर कट। से सुनो, बात समझ में आई बच्चों? यस सर, यस सर। हैड बेटर का यूज़ इस तरह से करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट दूंगा और आप हैड बेटर उसमें यूज़ कर देंगे। से सुनो, जैसे सपोज मैंने आपको कहा चॉकलेट, तो मोहित बोलेगा यू हैड बेटर ईट द चॉकलेट, अच्छा होगा कि तुम चॉकलेट खा लो, या कुछ भी, जो कुछ भी हम उसके साथ कर सकते हैं, इस तरह से आपको बोलना है। अंडरस्टूड बी? सो माय फर्स्ट वर्ड गोज टू मोहित। मोहित लिसनिंग टू मी? यस। ओके, सो योर वर्ड इज the computer. You had better close the computer. Very good. Computer को बंद करने को कहते हैं shut down. Close नहीं कहेंगे, तो you had better shut down the computer. अच्छा होगा कि तुम computer को बंद कर दो. Say yes or no? Yes. Very good. Now is who is Preeti Saini? Preeti Saini? मोहित, नो, ये प्रीति सैनी लिखा हुआ है इस पर शायद। ओके, तो आप बताइए योर वर्ड इज द फैन। यू हैड बेटर ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, बहुत अच्छा बनाया आपने। यू हैड बेटर स्विच ऑन द फैन, वेरी गुड। नाउ द नंबर ऑफ स्वाति।
Yes, sir. Bitte, your word is German language. You had better speak German language. Better. Very good. You had better speak German language. इसको जर्मन नहीं बोलेंगे, रे को थोड़ा सा कम बोलना है, जर्मन. यू हैड बेटर स्पीक जर्मन लैंग्वेज. ऐसे नहीं जर्मन लैंग्वेज, रे का साउंड नहीं है इसमें ज़्यादा, जर्मन लैंग्वेज. वेरी गुड. या यू हैड बेटर लर्न जर्मन लैंग्वेज. अच्छा होगा कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख लें. सही है सुनो. वेरी गुड. नाउ नंबर इज दीपक. ओके, योर वर्ड इज द डायरी. द डायरी. You had better write in your diary. अच्छा होगा कि आप अपनी डायरी में लिख लो. Very good. शाबाश. और किसी को कहना होगा, अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी डायरी दे दो, तो कैसे कहेंगे? How to say this? इसको कहेंगे यू हैड बेटर गिव मी माई डायरी. अपनी डायरी मांग रहे हैं ना, किसी और ने ले ली थी, तो नाउ वी आर आस्किंग फॉर दैट. सो यू हैड बेटर गिव मी माई डायरी. से सुनो. हेलो. ओके, नाउ द नंबर ऑफ ज्योति. Your word is your parents. I had better respect my parents. नहीं, your आपके. हाँ, जैसे आप respect your parents. हाँ, जैसे आपका friend अपने parents का respect नहीं कर रहा है, तो आपने उसको कहा you had better respect your parents. You had better respect your parents. अच्छा होगा कि आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो. वेरी गुड. तो हैड बेटर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? ओके. और एक तरीका बताता हूँ कि आप जो कुछ भी डेली रूटीन एक्शन करते हैं उसमें सबको, सब में हैड बेटर यूज़ कर दीजिए, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ स्पीकिंग प्रैक्टिस. जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ, जैसे सारा दिन मैं क्या काम कर रहा हूँ उसमें हैड बेटर यूज़ करना है. जैसे I had better get up early in the morning. I had better take a bath at 5 o'clock. I had better worship at 7 o'clock. I had better take my breakfast at 8 o'clock. I had better go to college at 9 o'clock. I had better study there by 12 o'clock. I had better come back my home. I had better take my lunch at 2 o'clock. I had better take some rest after that. I had better take tea at 4 o'clock. I had better watch TV at 5 o'clock. I had better join the online class or the online classes at 6 o'clock. I had better take coffee at 7 o'clock. I had better take my dinner at 8 o'clock. I had better watch TV at 9 o'clock. And I had better go to bed at 11 o'clock. तो आप इस तरह से जब बातें करेंगे, sentences को बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको एक practice आ जाएगी. You speak about yourself, you speak about anyone, maybe your mother, maybe your father, maybe your friend or anyone else. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी क्लू वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हर क्लू वर्ड की एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसी में वो सेट होता है, उसी में वो फिक्स होता है. से यस नो. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. अंडरस्टूड मी? इज देयर एनी क्वेरी? और कुछ पूछना है किसी को?
Yes. Do you want any? Do you want to ask anything else? No, sir. बात समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा चलो, मैंने सबसे पहले आज कौन सी एक्सरसाइज करवाई थी कि हाउ टू मेमोराइज अ वर्ड, स्पेलिंग को कैसे याद रखें, व्हाट इज़ द मीनिंग उसको कैसे याद रखें. किसी को याद है कौन सा वर्ड था वो? कैथसेरिडोफोबिया. मीनिंग सबको समझ में आ गया, स्पेलिंग समझ में आ गया? वेरी गुड. तो एक तो हेड बैटर की आप एक्सरसाइज करेंगे और एक दो वर्ड मैं आपसे और पूछना चाहूँगा. आपने ये जो कैमरास वगैरह देखे हैं, जैसे सर्विलेंस कैमरा होता है, सर्विलेंस ड्रोन भी होता है ना, जिसमें कैमरा लगा रहता है और वो पिक्चर्स ले लेते हैं. हेलो, सर्विलेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है निगरानी करना, गार्ड करना, सर्विलेंस कैमरास. तो इसकी स्पेलिंग किसी को आती है? SPRCALIN. Very good. Yes. Hello. Anyone of you, Jyoti, Swati, Deepak? Surveillance का मतलब तो समझ गए ना आप? जी सर, निगरानी करना. निगरानी करना. Very good. अब किसकी स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड सीखिए. क्या लिखा मैंने बोर्ड पर? What I have written on the board? मैंने वेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल? वेल का क्या मतलब होता है? वेल का मतलब होता है घूंघट निकाल लेना या किसी चीज को ढक देना. से यस सुनो. Yes, इसको कहेंगे वेल, वील नहीं, वेल. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो आपने एक नया वर्ड सीखा है वेल. वेल का मतलब है घूंघट निकालना या ढक देना. ओके अब आपको एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है कि एक ऐसे सर आते हैं हमारी क्लास में जो घूंघट निकालते हैं. तो सर की स्पेलिंग क्या होती है? तो सर ने घूंघट निकाल लिया, तो सर और वेल. ठीक है, और सर फिर लेंस से भी पढ़ाते हैं, एल ए एन सी ई. यही सर्वेलेंस की स्पेलिंग है. सर ने घूंघट निकाला और लेंस से पढ़ा दिया. बस आपको एक याद रखना है, आई को यू करना है, एस यू आर वी ई आई एल एल ए एन सी ई, सर्वेलेंस. तो अब आई थिंक ये जो स्पेलिंग है आप सबको याद रह सकती है. बस आपको एक पिक्चर बनानी है, इमेज, कि सर को बुलाना है क्लास में और उन्हें घूंघट निकलवाना है,
मुझको छोड़ करके, मुझे नहीं बुलाना, और लेंस से वो पढ़ा देंगे, तो आप स्पेलिंग अपने आप ही लर्न हो जाएगी, सर वेल और लेंस, बट सर का जो आई है उसको यू से रिप्लेस करना है, यू हैव टू रिप्लेस आई विथ यू, तो स्पेलिंग आपकी बन गई ये स्पेलिंग सर्वेलेंस, बट लर्न करने की ट्रिक ये, तो आप क्या हुआ थोड़ा एस यू आर वी ई आई एल एल ए एन सी ई, तो इस ट्रिक से आप स्पेलिंग्स को भी लर्न कर सकते हैं, से सुनो तो आप है ना अपनी जो स्टडीज है, हमारा ब्रेन इन एक्चुअल कैसे लर्न करता है, इसको किसी ट्रिक से आप ट्रेन कर दीजिए तो वो आपको हमेशा ही याद होती है, जैसे भी मैंने कैट सेरिडोफोबिया एक वर्ड आपको बताया, और इवन द स्पेलिंग ऑफ सर्वेलेंस, इजंट इट, तो अब जैसे सपोज करो सर्वेलेंस से आपको कोई सेंटेंस बनाना है और इसमें हेड बेटर आप यूज़ कर सकते हैं, सो कैसे बनाएंगे, यू हैड बेटर यूज सर्वेलेंस कैमराज इन योर बिल्डिंग, अच्छा होगा कि आप अपनी बिल्डिंग में सर्वेलेंस कैमरा यूज कर लें, और दूसरी तरह से भी बन सकता है, यू हैड बेटर फिट और फिक्स सर्वेलेंस कैमराज इन योर बिल्डिंग, तो इस तरह से हैड बेटर भी हो गया और सर्वेलेंस भी हो गया, यू अंडरस्टैंडिंग मी, वेरी गुड, तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं, तो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को भी इजीली आप लर्न कर सकते हैं, यू कैन लर्न द बिग स्पेलिंग्स ऑल्सो, तो हर स्पेलिंग जो है अपने आपको कुछ ना कुछ आइडिया देती है, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट दैट, अंडरस्टूड मी, सो आई होप दैट यू एंजॉयड वन क्लू वर्ड टुडे एंड दैट इज द हैड बेटर, एंड इन विच सिचुएशन वी यूज़ इट, हम किसी को कोई सलाह दे देते हैं, अच्छा होगा कि आप ऐसा कर लीजिए, इजंट इट, तो हेड बेटर के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, एंड आई हैव गिवन यू द मैथड हाउ टू प्रैक्टिस, कि सारा दिन आप क्या काम करते हैं उसमें हेड बेटर को यूज़ कर दीजिए, अभी तो हो गया क्लास, यस अंडरस्टूड एवरीबडी, सो मेक मैनी सेंटेंसेज यूजिंग ऑल द क्लू वर्ड्स, तो आपने जो आई थिंक 9 or 10 क्लू वर्ड्स के इनकी सबकी प्रैक्टिस करेंगे, टुमारो इज संडे एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा वक्त है आपके पास, आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके एंड वी शैल मीट ऑन मंडे द सेम टाइम, ओके ओके थैंक यू एंड बाय. Thank you.